तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं अरविंद, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सुभाष शिर्के मुंबई में हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई में लोगों की सांसें अटकी पड़ी होंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ ऐसा आज तक आजाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि एक तरह से शपथ ली गई कि हम वो करेंगे जो हम दावा कर रहे हैं। 162 विधायकों को प्रदर्शित करने की बात कही गई, लेकिन आंकड़े आए 135 से लेकर 162 के बीच में। आखिरकार इसका कोई असर पड़ेगा या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, क्योंकि राज्यपाल के सामने तो परेड होने से रही और यही कारण था कि एक इवेंट बनाया गया और जिसके तहत महाराष्ट्र की जनता को और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से संदेशा देने की कोशिश की गई कि उनके पास 162 के आंकड़े हैं। और नारायण राणे ने जो कहा है कि 132 या 135 के लोग थे जी। तो इनका ये कहना था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, कि हमने राज्यपाल के पास 162 एमएलएज की दस्तखत की सूची सौंपी है, अगर वो गलत है तो आप बताइए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तीखे तेवर में ये तीनों पार्टियां दिखते आ रही है। और मैं अभी आपको ताज़ा खबर बताऊं कि अजित पवार का कहीं पे छुपे हुए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ 26/11 आतंकी हमले की जो एनिवर्सरी थी वहाँ शहीदों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, वहाँ पर शरीक नहीं हुए। हालांकि वो पहुंचने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे। लेकिन सुभाष, समझना होगा कि कल वो मुख्यमंत्री के साथ एक मीटिंग में नहीं पहुंचे, आज 26/11 के हमले की जो बरसी मनाई जा रही है, जिन शहीदों का स्मरण किया जा रहा है, वहां नहीं पहुंचे। ये कहकर क्या जताना चाहते हैं अजीत पवार? क्या वो दबाव में है कि शरद पवार और पूरी पार्टी ने आखिरकार उन पर दबाव बना लिया है? अजित पवार पूरी तरह से दबाव में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार अजित पवार को हर कोई वरिष्ठ नेता एनसीपी का मिल रहा है और वो उनको यही का विनती कर रहा है कि आप वापस लौट जाए, क्योंकि शरद पवार के पूरे प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। और यही बात बार बार एनसीपी के नेता अजित पवार इनसे जाके कह रहे हैं, तो इसलिए जाहिर है कि अजित पवार दबाव में है। बिल्कुल। अब आइए जरा अरविंद से भी चर्चा कर लें। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रविवार को की, सोमवार को एक विस्तृत लंबी सुनवाई हुई तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास, और आज फैसले की घड़ी सामने है। अगर पहले के सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को देखें जो कि हमारे सामने विधित हैं, एसआर बुमाई केस से लेकर अभी तक, इसके बाद भी क्या इतने लंबे अवसर की आवश्यकता थी? क्योंकि कई तरह की बातें आज कही जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस तरह की टीका टिप्पणी शायद हिंदुस्तान में पहले बहुत कम हुआ करती थी। देखिए अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कल विस्तार से सुना और उसके बाद कोर्ट को लगा कि जो जज हैं उनको आपस में विचार विमर्श की जरूरत है, और यही वजह है कि कल जब 10:30 बजे का के लिए ऑर्डर सुरक्षित किया गया तो उसके बाद भी बेंच बैठी रही। तो मुझे लगता है कि आपस में विचार विमर्श के बाद आज का वक्त उन्होंने मुकर्रर किया। दूसरी बात ये कि कोर्ट के रुख से एक बात साफ है जो पिछले दिनों सुनवाई हुई है उसमें, ये कि कोर्ट राज्यपाल का जो अधिकार है जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस को औथ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं या राष्ट्रपति शासन एकाएक हटा रहे हैं बिना केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के, उस अधिकार क्षेत्र में नहीं जा रहा है। कोर्ट ने कल ये भी साफ कर दिया, जब अभिषेक मनु सिंघवी एक हलफनामा दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि उनके पास वो हलफनामा है जिसमें तमाम विधायकों के हस्ताक्षर हैं और ये साबित होता है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, कोर्ट ने कहा इस हलफनामे को हम नहीं देख रहे हैं, हम याचिका का स्कोप नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कोर्ट में जो रुख रहा है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो मुख्य मांग रही है वो ये कि फ्लोर टेस्ट तुरंत होना चाहिए, तो आज का जो आदेश है वो इस तक सीमित रहेगा। मुझे इस बात की संभावना लगती है कि फ्लोर टेस्ट कब हो, बहुमत परीक्षण के लिए कितना वक्त दिया जाए और उसकी प्रक्रिया क्या रहे, इस पर आज का आदेश रहेगा। एक बात और जानना चाहूंगा, कर्नाटक के मसले पर यह साफ हो गया था कि जो प्रो टेम स्पीकर होता है वो ही बहुमत परीक्षण करा सकता है। कर्नाटका के वक्त जो केजे बोपैया, जिनको बीजेपी के थे और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, उन्होंने बहुमत परीक्षण कराया था, लेकिन यहां पर स्पीकर कौन बने इसको लेकर, ये देखिए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव का बयान आया है और विधानसभा के सचिव का ये बयान है, उन्होंने कहा है कि उनको जयंत पाटिल का लेटर मिला है, ऐसे में वो किसकी विप मानते हैं, सचिवालय ये नहीं तय करता है कि विप कौन जारी करेगा। आइए सुनते हैं सचिवालय के सचिव राजेंद्र भागवत ने क्या कहा है।
जैसे आपको कोट करके कि आपके हवाले से लोग खबर दे रहे हैं कि आपने कंफर्म किया है कि एनसीपी का दावा नए गठनेता के रूप में जयंत पाटिल की मान्यता हो चुकी है। नहीं, ये दावा विधानमंडल सचिवालय नहीं कर सकता क्योंकि ये तो स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव रहता है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्पीकर एंड वी कैन विधानमंडल सचिवालय की तरफ से इतना ही बोला जा सकता है कि जयंत पाटिल साहब का जो गठनेता का पत्र था वो प्राप्त हो चुका है। पत्र प्राप्त हुआ उसके दावे को लेकर उसके दावे का निर्णय करेंगे। वो निर्णय विधानमंडल सचिवालय का नहीं रहता, वो स्पीकर साहब का रहता है। हम आपको ये बता दें कि विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अरविंद, एक सवाल मैं आपसे अभी और समझना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो याचिका दायर की गई है उसमें विधानसभा में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका पर पहले भी कई जजों की टिप्पणियां आ चुकी हैं, कई जजमेंट्स भी सामने हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज जब 3 जजों की खंडपीठ इस पूरे मामले को सुन रही है और राज्यपाल की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो शायद ये भी बात उठाई जा सके कि क्यों ना राज्यपाल के विशेषाधिकार की परिधि को तय कर दिया जाए और उस परिधि के आधार पर ही, उस नियमित परिधि के आधार पर ही राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले रहे हैं जिसमें राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, नसीहत भी दी गई है, और यही वजह है कि इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो जो मुकुल रोहतगी थे उनका ये कहना था कि पहले आप अंतरिम आदेश दें और उसके बाद राज्यपाल के क्या विशेषाधिकार हैं, क्या संवैधानिक दायित्व हैं और क्या कुछ उसकी रूपरेखा रहने वाली है, ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया जाए। एक बात मैं समझ पा रहा हूं ये कि आज का आदेश अंतरिम आदेश होगा, यानी पूरी तरीके से कोर्ट इस मैटर को क्लोज नहीं करने वाला है, इस बात की पूरी संभावना है। और आगे राज्यपाल की, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठे और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा हो, तो राज्यपाल का किस तरीके से काम किया जाए क्योंकि उसका कोई सीधा सटीक रूल नहीं है। आमतौर पर उनके विवेक पर छोड़कर उनके विशेषाधिकारों का हवाला देकर के राज्यपाल काम करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता रहा है, लेकिन आगे कैसे हो इस मामले को लेकर के, तो हो सकता है कि आगे सुनवाई का स्कोप रखा जाए इस पर भी और बड़ी बेंच के आगे मामला रेफर कर दिया जाए। लेकिन जो अंतरिम आदेश आना है वो बहुत हद तक संभावना यही है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के आएगा, क्योंकि कोर्ट का रुख अभी तक 3 दिन की सुनवाई में यही रहा है।